नाश्ता तो हम सब रोज ही बनाते हैं, लेकिन आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक जबरदस्त नाश्ते की रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रीना किचन पॉइंट। आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सूजी का एक हेल्दी और बहुत टेस्टी नाश्ते की रेसिपी, और यकीनन आपको ये नाश्ता बहुत पसंद आएगा। बहुत टेस्टी है, हेल्दी है और बच्चे इसके दीवाने हो जाएंगे, तो बार बार आपसे डिमांड करेंगे यही नाश्ता बनाने की। तो चलिए दिखाते हैं आपको ये नाश्ते की खास रेसिपी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, नाश्ते की रेसिपी पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो के लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो चलिए देखते हैं सूजी का ये टेस्टी हेल्दी नाश्ता बनाने के लिए हमें किन किन सामानों की ज़रूरत है। सूजी का ये टेस्टी हेल्दी नाश्ता बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले सूजी। तो यहाँ हम आधे बाउल सूजी ले रहे हैं। आप अपने फैमिली मेम्बर्स के अकॉर्डिंग सूजी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ नमक, चावल का आटा, 3 बड़े चम्मच चावल का आटा, अगर नहीं है तो आप चावल को पीस के आटा तैयार कर सकते हैं। धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, साबुत ज़ीरा, कुछ सब्जियाँ, 1 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कट की हुई, हरा धनिया, 1 टमाटर, इसे भी हमने बारीक कट किया है, 1 हरी मिर्च, रिफाइंड ऑयल नाश्ता बनाने के लिए, और साथ में हमें चाहिए 4 आलू उबले हुए। तो ये उबले हुए आलू हैं, इनका छिलका हमने उतार दिया है। और शुरू करते हैं सूजी का टेस्टी हेल्दी नाश्ते की रेसिपी। सूजी का ये नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम सूजी को भिगा देते हैं, जिससे सूजी अच्छे से फूल जाएगी। तो यहाँ हमने एक बाउल लिया है खाली, और ये जो आधे बाउल सूजी है ये हम इसमें डाल देंगे। इसके साथ जो हमने चावल का आटा लिया है 3 बड़े चम्मच, ये भी हम इसमें ही मिक्स करेंगे। चावल के आटे से ये बहुत ही कुरकुरा क्रिस्पी हो जाएगा। तो आप कोई भी चीज़ नाश्ते को अगर क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो आप उसमें चावल का आटा या सूजी का यूज़ कर सकते हैं। साथ में ही इसमें हम ऐड करेंगे नमक 1/4 चम्मच, और अब इसमें हम मिला देंगे पानी और इसका एक पेस्ट यानी कि बैटर तैयार करेंगे सभी। और अब इसमें पानी डालेंगे, सूजी पानी में मिक्स करने के बाद वो फूलती है और जो थोड़ा सा हमें उसे पतला करना होता है, यानी कि हमें सूजी तुरंत बना के भिगा के नाश्ता नहीं बनाना होता है, क्योंकि अगर आप तुरंत सूजी को भिगाएंगे तो वो बहुत टाइट हो जाएगी। तो हमें उसे थोड़ा सा फूलने का टाइम देना चाहिए, इसलिए सबसे पहले हम इसमें सूजी को पानी में भिगा देंगे, जिससे कि वो जितना फूलना चाहती है पानी में उतना फूल जाए और एक पेस्ट अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बन के तैयार हो। तो ये देखिए जो सूजी है पानी में अच्छे से भीग चुकी है। ये सूजी का बैटर अब तैयार है, तो इसे हम साइड रख देंगे। जब तक हम बाकी का प्रोसेस करेंगे तब तक ये सूजी का जो बैटर है पूरा अच्छे से तैयार हो चुका होगा। सेकंड स्टेप में अब हमें ये उबले हुए आलू लेने हैं और इनको अच्छे से मैश करना है। तो इन्हें हम अच्छे से फोड़ लेंगे। जब आलू अच्छे से मैश हो जाए यानी कि इन्हें हम अच्छे से फोड़ लें, उसके बाद अब हमें बाकी का प्रोसेस गैस पे करना है। तो चलिए गैस पे कढ़ाई रखते हैं। तो शुरू कर लेते हैं गैस, और अब हमने इसमें पैन रखा है जिसमें हम ये स्टफिंग यानी कि जो आलू की पिट्ठी है बहुत ही टेस्टी सी बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हम अब ले लेंगे यहाँ पर ऑयल 2 चम्मच। सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे जीरा, जीरा चटकने के बाद अब इसके अंदर डालते हैं प्याज, प्याज को सौते कर लेंगे। प्याज सौते हो गई है क्योंकि प्याज का कलर हल्का सा ब्राउन हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च और साथ में टमाटर। गैस की फ्लेम कम कर लेते हैं और अब इसमें हम बाकी के मसाले डालना शुरू करते हैं। लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च ऑलरेडी हमने डाली हुई है, तो लाल मिर्च पाउडर हम
टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, धनिया पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, गरम मसाला 1/4 चम्मच और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो नमक हमने सूजी में भी डाला हुआ है, तो यहाँ पर हम नमक कम 1/4 चम्मच के करीब ही लेंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि नमक ज़्यादा मात्रा में हो जाए दोनों में डालने की वजह से। और अब सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम भी फिर से एक बार तेज कर लेंगे। मसाला अच्छे से सॉटे हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे उबले हुए आलू, जो हमने आलू यहाँ पर मैश किए हैं। और मिक्स कर देंगे आलूओं को मसाले के साथ। और एक चटपटी सी स्टफिंग तैयार करेंगे। आलू डालने के बाद हमें इसे 2 मिनट तक सॉटे करना है, भूनना है अच्छे से, जिससे कि आलू में मसाला चला जाए और आलू थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। लीजिए, तो ये स्टफिंग अच्छे से तैयार हो गई है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और जो हरा धनिया है वो स्टफिंग में मिक्स कर देंगे। तो यहाँ इसके अंदर हम डाल देते हैं हरा धनिया और अब इसे भी मिक्स करेंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और ये चटपटी सी स्टफिंग बनके तैयार है, बहुत टेस्टी लगती है। आप इस स्टफिंग को किसी भी चीज़ में फिल कीजिए, बस मज़ा आ जाता है। तो स्टफिंग तैयार है, अब इसे हम ठंडा करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस पे आगे बढ़ेंगे। लीजिए, तो स्टफिंग तैयार हो चुकी है और ये ठंडी भी हो चुकी है। तो आलू की स्टफिंग बहुत टेस्टी लगती है जब आप उसे फ्राई करके बनाते हैं। तो यहाँ पे स्टफिंग तैयार है और जो ये हमने सूजी का भिगाई थी पानी में और नमक और चावल के आटे के साथ, तो ये देखिए काफ़ी टाइट हो चुकी है, क्योंकि सूजी फूलती है पानी में, तो ये पानी को सोख कर चुकी है और काफ़ी टाइट हो गई है। तो इतनी टाइट सूजी का तो कुछ भी नहीं बनेगा, तो पहले हमें इसे थोड़ा पतला करना होगा। इसमें हम फिर से अब पानी ऐड करेंगे और एक पतला सा बैटर तैयार करेंगे। ये टाइट है और पानी, तो लीजिए सूजी फिट चुकी है और अच्छे से स्मूथ पेस्ट एकदम तैयार हो गया है, काफी पतला। तो ये देखिए इतना पतला चाहिए हमें। तो चलिए, सूजी तैयार है, स्टफिंग तैयार है, तो अब ऑन करते हैं गैस और फाइनली बनाना शुरू करते हैं ये हेल्दी नाश्ता सूजी का। गैस ऑन करके अब इस बार हम रखेंगे तवा। तो यहाँ पे मैंने नॉनस्टिक पैन लिया है और तवे को थोड़ा सा गर्म करना है और इसे ग्रीस करना है। अब तवा हल्का सा गर्म हो चुका है, तो आप उस पर हाथ इस तरह रख के चेक कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि गैस की फ्लेम हमें इसमें काफ़ी लो रखनी है। और उसके बाद अब हम इसे ग्रीस कर देंगे ऑयल, रिफाइंड ऑयल के साथ, या आप देसी घी के साथ भी कर सकते हैं। तो ये नाश्ता बहुत ही कम तेल में बहुत ही अच्छा टेस्टी हेल्दी नाश्ता बनके तैयार होता है। तो यहाँ पे मैंने तवा ग्रीस कर दिया है। अब जो ये बैटर है सूजी का, इसको हमें इस तरह एक बड़े चमचे के साथ बनाना है। तो इसे एक बार फिर से मिक्स कर देंगे, एकदम पतला सा बैटर, जितना पतला होगा उतना ही ये टेस्टी बनेगा। ये सूजी का डोसा या चीला बिल्कुल अच्छे से फैल चुका है
और अब हमें ये ध्यान रखना है कि ये टूटना नहीं चाहिए बनने तक। तो उसके लिए हमें कच्चे चीले को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। 2 से 3 मिनट आप इसे इसी तरह छोड़ दीजिए, ये अपने आप कलर चेंज करेगा, थोड़ा सा टाइट हो जाएगा और कॉर्नर्स भी छोड़ने शुरू कर देगा। तो 2 मिनट तक इसे बिल्कुल नहीं छेड़ना है। ये देखिए, ये सूखा सूखा ऊपर से होना शुरू हो गया है और ये कलर भी हल्का सा चेंज कर चुका है, यानी कि ये अच्छे से नीचे से पकने लगा है। अब हमें क्या करना है कि हमें इसके जो कॉर्नर्स हैं यहाँ पर थोड़ा सा तेल डालना है, जिससे कि आसानी से कॉर्नर्स छोड़ दे। और अब हम चमचे से इसे साइड में से हटाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए, बहुत आराम से हट जाता है, निकल जाता है, बिल्कुल भी नहीं टूटता। ये देखिए हट चुका है। अब इसे हम पलटेंगे और दूसरी साइड से अच्छे से 2 मिनट तक पकने देंगे। अब 2 मिनट बाद इसे हम पलट लेंगे और ये हल्का सा ब्राउनिश हो चुका है। तो इस चीज़ चीले की सबसे सीक्रेट बात यही होती है कि आप जितना पतला घोल बनाएंगे उतना ही पतला ये डोसा बनके यानी कि चीला बनके तैयार होगा, उतना ही कुरकुरा लगेगा, क्रिस्पी लगेगा। तो अब यहाँ पे हम इसमें शुरू करते हैं स्टफिंग। जो हमने टेस्टी यम्मी सी ये स्टफिंग तैयार की है, आप चाहे तो स्टफिंग के ऊपर कच्ची प्याज वगैरह भी, हरा धनिया ऐड कर सकते हैं, जिससे कि और भी टेस्टी लगे। और अब इसे फोल्ड करना शुरू करेंगे। तो फोल्ड करने के लिए, क्योंकि क्रिस्पी भी है और गर्म भी है, तो हम 2 चीज़ों का यूज़ कर लेते हैं, एक साथ में चम्मच। ये लीजिए, ऐसे हम इसे गोल गोल फोल्ड करते जाएंगे और ये तैयार हो जाएगा हमारा गर्मा गर्म सूजी का हेल्दी टेस्टी नाश्ता। तो लीजिए, तैयार है बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी हेल्दी सूजी का नाश्ता। अब हम आपको करके दिखाते हैं इसके बहुत टेस्टी यम्मी सी प्लेटिंग। लीजिए दोस्तों, तैयार है बनके सूजी का हेल्दी टेस्टी बहुत ही यम्मी नाश्ता। बच्चों को बहुत पसंद आएगा और आपसे बार बार बनाने की फरमाइश करेंगे। तो सूजी का ये हेल्दी टेस्टी स्टफिंग वाला चीले की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिए, बच्चों को आपको ये नाश्ता कैसा लगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो के लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो वीकेंड्स पे बनाइए हेल्दी टेस्टी सूजी का ये टेस्टी नाश्ते की रेसिपी। चलिए फिर मिलेंगे एक नई टेस्टी यम्मी सी रेसिपी के साथ। बाय बाय।